आप मिस करते हो, पर मुझे तो लगता है कोई मिस नहीं करता। बैच खत्म होता है, लोग निकल जाते हैं, एक बैच खत्म होता है। मुझे कभी कभी अपने बचपन में गुरु की बात याद आती है कि मैं कभी उनसे, मैंने वो मेरे बड़े थे तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि ये जो गुरु है ना, ये टीचर जो बनना है या गुरु है ना, इनकी जिंदगी में बहुत दर्द है। मैं उनको कहता था, क्या बोल रहे सर, आपकी जिंदगी में दर्द, इतने बच्चे आप पढ़ाते हो, उसमें पैसे का ज्ञान नहीं था, ऐसे इतने बच्चे पढ़ाते हो, इतना सम्मान होता है आपका। तो कहते हैं कि जो सम्मान तुम देख रहे हो, इतने बच्चे पढ़ा रहे हो, इनसे मोहब्बत हो जाती है, उनसे दिल आ जाता है, उनके साथ उठते बैठे उनसे दिल आ जाता है, पर जब एग्जाम हो जाती है ये अपनी नई राह को निकल जाते हैं, हमारे दिल में वो रह जाते हैं। वो नई राह को निकल जाते हैं, हमारे दिल में वो रह जाते हैं। हम उन्हें याद करते हैं, वो पीछे मुड़कर ना देखते हैं। हम उन्हें याद करते हैं, वो पीछे मुड़के ना देखते हैं। ये दिल में ये आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो क्योंकि हम रस्ते में उस जगह खड़े जहां खड़े ही रहेंगे, लोग आएंगे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आज आपको याद आ रहा है, कल याद नहीं आएंगे, परसों याद नहीं आएंगे, आप हमें जरूर याद आएंगे, आप हमें जरूर याद आएंगे। ये बात ध्यान से सुनना, संघर्ष ही जीवन का किस्सा है, संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है, मंजिल ही जीवन का किस्सा है। पता है ना, संघर्ष करते रहना, लड़ाई करते रहना, अपनी अपने भविष्य के लिए तुम्हें संघर्ष करना है। और ये संघर्ष आप किस चीज के लिए करो, पढ़ाई करते हुए संघर्ष करना। ये जो फाकीबाजी का जो सिस्टम आया है ना, आई हेट दिस टाइप ऑफ फाकीबाजी, मैं तो एकदम इसके खिलाफ हूँ, इसलिए मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, मैं इस पर्टिकुलर चीज में बहुत एग्रेसिव हूँ, मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो बात यह है कि क्योंकि मुझे पता है संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है, संघर्ष जीवन का हिस्सा है, मंजिल ही जीवन का किस्सा है, है? यस सर। विद्यार्थी बन, विद्यार्थी मतलब तुम्हारे लिए स्टूडेंट बनकर मंजिल को पाना है, विद्यार्थी बन जीवन की मंजिल को पाना है, राहिम बन मंजिल तक जाना है। तो मंजिल तक जाना है तो विद्यार्थी बन गए हो, विद्यार्थी बनने का मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या, मंजिल को पाना है, राही बन मंजिल तक जाना है, क्योंकि जीवन में संघर्ष एक हिस्सा है, मंजिल ही जीवन का किस्सा है।